बस सिंपल सी बात है, एक पॉजिटिविटी आप हर क्वेश्चन में जरूर छोड़ें अपनी, ताकि जांचने वाले को अच्छा लगे, है ना। और कोई डाउट हो आप पूछ सकते। देखो मेरा मानना तो ये है कि किसी भी यूनिट को, किसी भी सब्जेक्ट को, किसी को पेपर को हमें हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि आपका एक पेपर में फेल होना पूरी मेहनत को तबाह कर सकता है। ये बात समझिए आप, किसी भी यूनिट को आपको, आप अगर छोड़ते हैं तो सीधे सीधे 30 नंबर आप पे जाते हैं, है ना। 30 नंबर का आप मतलब समझ सकते हैं, 30 नंबर पूरी की पूरी एक रैंक डिसाइड कर सकती है ना। तो हर सब्जेक्ट को उतना ही वेटेज दो, जो सब्जेक्ट जल्दी कवर हो सकते हैं। हाँ टाइम कम दे सकते हो, हिंदी का जैसे पोर्शन है नॉर्मली 5 से 6 दिन में कवर हो ही जाता है। कितना पढ़ेंगे आप बताओ, इतने छोटे से सिलेबस के लिए कितना आप ज़्यादा, मतलब 4 किताबें भी पढ़ लेंगे वही के वही फिर से पढ़ते रहेंगे, तो इसलिए 4 किताबें आवश्यकता नहीं है। जितनी आवश्यकता है उतना समय दो, हमें टाइम को बचाना है, बर्बाद नहीं करना है ना। तो जैसे मेरा जो था कि मैंने जीएस के जो 3 पेपर थे उनके लिए सुबह का टाइम डिसाइड किया हुआ था कि अगले 15 दिन में मैं पहला पेपर कंप्लीट कर लूँगा, उसके अगले दिन में सुबह टाइम का बता रहा हूँ, 6 से 12 जैसे मैं पढ़ता था, या फिर 8 से 12, क्योंकि नींद के मामले में मैं भी बहुत आलसी रहा हूँ, नींद नहीं खुलती थी सुबह से, 7, 7:30, 8 बजे मम्मी की डांट खा के उठना है, नॉर्मल सी, वही कोई स्पेशल बात नहीं थी। सुबह का जो टाइम शेड्यूल था वो मैंने जीएस के पेपर के लिए दे रखा था, तो 15 दिन जीएस फर्स्ट, उसके अगले दिन 15, अगले दिन जीएस सेकंड, जीएस थर्ड, और शाम का जो टाइम था वो जीएस फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह से दिया था। और रात का जो टाइम था, दिन भर में हमने क्या पढ़ा है एक बार उसको आपको जरूर देखना है, बिल्कुल करना ही चाहिए। क्योंकि देखो अगर आपका कंफर्ट, सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ते, मैं आप बात समझिए मेरी, मैं ये बोल रहा हूँ कि 15 दिन एक सब्जेक्ट सुबह टाइम पढ़िए, 15 दिन जो शाम का टाइम है उसमें एक एक सब्जेक्ट पढ़िए। जैसे जीएस फर्स्ट पढ़ रहा हूँ मैं 15 दिन तक सुबह टाइम, जीएस फोर्थ पढ़ रहा हूँ मैं उसी 15 दिन के दौरान शाम के टाइम, जब ये दोनों सब्जेक्ट कवर हो गए उसके अगले दिन स्विच कर दिया, उसमें GS2 आ गया सुबह टाइम, इसमें फिफ्थ पेपर आ गया, सेम ऐसे अगले 15 दिन GS3 आ गया यहाँ पे, और अगले 15 दिन यहाँ पे निबंध आ गया, तो उसका वर्डन भी नहीं होता एकदम से, ज़्यादा बोझ भी नहीं पड़ता दिमाग पे, और आसानी से सारी चीज़ें हो जाती हैं। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को, जैसे आपका प्रीलिम्स आपको लग रहा है कि हो रहा है क्वालिफाई, तो रोज़ करें कम से कम, ज़्यादा नहीं तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बोलते लोग कि रोज लिखो कम से कम 1-3 घंटे का पेपर लिखो, मैंने कुछ नहीं लिखा था ईमानदारी से बताऊं मैं, कुछ जो ज़्यादा आपको वो डराने वाली बात नहीं बोलूंगा, आधा घंटे 1 घंटे पर्याप्त है ना। लेकिन आखिरी में जब आपका 1-1.5 महीना बचे तब आप पूरे फुल लेंथ टेस्ट जरूर लगाएं, जैसे 1.5 घंटे का जो टेस्ट होता है ना 150 नंबर का, उसको आप पूरा लगाएं, FLT भी लगाएं, उससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा क्या मेरा पेपर पूरा हो पा रहा है, अगर नहीं हो पा रहा है तो मुझे और क्या अपने आप में सुधार करने हैं। आखिरी के 1-1.5 महीने में आपको लग रहा है जैसे डर हो रहा है, कम टाइम बचा है, तो 2-3 महीने पहले से आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, बाकी कोई स्पेशल उसमें नहीं है, बस विश्वास रखो अपने आप पे, अपनी तैयारी के ऊपर विश्वास रखें। और आपसे मैं यही बोलूँगा, आप जब मेंस लिख रहे होते हैं ना तब आप एक इस बात को अपने दिमाग में जरूर रखिएगा कि मैंने बहुत पढ़ा है, मेरी पूरी तैयारी है, मेरा पूरा सिलेबस कवर है। वहाँ पर कुछ ऐसी महान मूर्तियाँ भी मिलेंगी आपको, महान विभूतियाँ, जो पेपर के पहले ऐसा डिस्कशन करते हैं पूरे सिलेबस का कि आपको लगेगा कि भाई मेरा तो कुछ है ही नहीं, मेरा तो होना ही नहीं है, है ना। उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, पेपर के पहले भी चर्चा नहीं करनी है किसी से, पेपर के बाद भी चर्चा नहीं करनी है, 6 के 6 जब पेपर हो जाए उसके बाद जिससे चर्चा करनी है, दोस्तों से। और मेन बात, जब मेंस आप दे रहे होते हैं उन 6 पेपर्स के दौरान मोबाइल से मैं बताऊँ परहेज करिएगा, बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है वो चीज़ें, है ना, परहेज करिएगा उस चीज़ से। सोशल मीडिया से जुड़े होंगे आप, बेशक जुड़े होंगे, लेकिन परीक्षा की तैयारी के दौरान यार कहीं ना कहीं उस चीज़ से भी आप कंप्रोमाइज़ करिएगा। हाँ खुशी मिलती है रील्स देखने में, कॉमेडी देखने में, इंस्टाग्राम और वट एवर यू वांट्स, एक बार आप सिलेक्ट हो जाओ बहुत अच्छी लगने लगती फिर ये चीज़ें, लोग जुड़ना चाहते, अभी आप जुड़ना चाहते हैं फिर लोग आपसे जुड़ना चाह रहे होते हैं, है ना। तो बाद में करिएगा ये सब चीज़ें, बहुत समय पड़ा है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, एक बार आप अपने मुकाम को हासिल करिए, सपनों को जिए, परिवार की उम्मीदें जो लेकर आप यहाँ आए हैं, भोपाल में हैं, बाहर के होंगे कुछ लोग, है ना, जो उम्मीदें लेकर आप यहाँ आए हैं, आपके माँ बाप घर पे केवल इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि
मेरा बच्चा बड़े गर्व से बोलते हैं, मेरा बच्चा पड़ोसियों से बात होती है, रिश्तेदारों से बात होती है, मेरा बच्चा सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा है, MPPSC की तैयारी कर रहा है, उनके दिमाग में वो तैयारी नहीं चल रही होती, उनके दिमाग में वो चल रहा होता है मेरा बच्चा एक ना एक दिन जरूर ऑफिसर बन के मेरे घर पर आएगा। उस उम्मीद से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है आपके लिए, ना तो संदीप माहेश्वरी दूसरे मोटिवेटर आपको मोटिवेट कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। आपका मोटिवेशन आपका परिवार है और आपका सपना है। मैंने सिर्फ यही दिमाग में बिठा रखा था। मेरे बड़े भैया ने मेरे प्रिलिम्स था जिस टाइम में, उस दिन मुझसे बोला था कि आज से अपने एटीट्यूड को इस तरह से बनाओ कि फील करो कि मैं एक अधिकारी आज बन चुका हूँ। तैयारी के दौरान अपने आप को एज अ ऑफिसर फील कराओ, क्योंकि जो जिम्मेदारी आप लेने वाले हैं, लेंगे बेशक लेंगे, एक बार में नहीं होगा सिलेक्शन, दोबारा देंगे आप, लेकिन कहीं ना कहीं सिलेक्शन सबका होगा जो सीरियस है अपनी पढ़ाई के लिए, है ना। तो अपने आप को, अपनी जो जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है उसको आप समझिए और सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को जीना स्टार्ट कीजिए। वो आपसे क्यों इतने सारे सब्जेक्ट पढ़वाना चाह रहे हैं, MPPSC क्यों इतना वास्ट सिलेबस रख रहा है, क्यों हिंदी निबंध ये सब चीज़ें क्यों पढ़वा रही है, कुछ ना कुछ उसके पीछे इंटेंशन छुपा है उसका। वो आपदा प्रबंधन इसलिए पढ़ा रहा है क्योंकि आप SDM एज अ SDM किसी तहसील में पोस्टेड हैं, बाढ़ आ जाती है तो उससे आप कैसे निपटते हैं, पूरी जिम्मेदारी उसकी आपके ऊपर आ जाती है। लाखों लोगों की जिंदगियां आपके एक ऑर्डर पर डिपेंड रहती हैं, आपका एक ऑर्डर जिसमें राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है लाखों लोगों की भूख मिटा सकता है। वो जिम्मेदारी को आप समझिए, है ना। बस यही है, परीक्षा को एंजॉय करो, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, कुछ स्पेशल एग्ज़ाम नहीं है। 12th में एग्ज़ाम देते थे, जैसे ब्लूप्रिंट रहता था उसका, इस यूनिट से इतने नंबर का आना है, तो जिसमें से विकल्प आने होते थे उसमें से थ्योरी नहीं पढ़ते थे हम, नॉर्मल ये होता था। लेकिन इसमें तो विकल्प भी हैं, यूनिट फिक्स है, 30 नंबर का आना है, तो उस पर बने रहिए, सिलेबस को फॉलो कीजिए, कंटेंट बिल्कुल मत फैलाइए, कोई कितनी भी सलाह दे, दोस्त दे, टीचर्स दे, आपने जो एक बार कंटेंट पढ़ा है आपको लगता है कि इसमें सिलेबस कवर हो रहा है, कोई आवश्यकता नहीं है फैलाने की, है ना। और मेरी जो बुक लिस्ट रही, मैं कोशिश करूंगा कि एक या दो दिन में आप लोगों को मैं उपलब्ध करा दूंगा, है ना, जो मैंने पढ़ी थी। मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, NCERTs पढ़ी थी क्योंकि मैं UPSC की प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन इस MPPSC के लिए स्पेशल मैंने नोट्स बनाए थे NCERT में से, खासकर ज्योग्राफी के मैंने खुद से नोट्स बनाए थे NCERT के लिए पे। कोई भी रिकमेंडेड बुक मैंने नहीं पढ़ी है ज्योग्राफी के लिए। करंट अफेयर की मैगजीन पढ़ता था मैं, क्रॉनिकल भी पढ़ता था कभी कभार, और दृष्टि IAS की जो करंट अफेयर टूडे आती थी वो पढ़ लेता था। जिनको प्रतियोगिता दर्पण पढ़नी हो वो पढ़ लो, घटना चक्र पढ़नी हो वो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यूटी मारने रखती है। ऐसा नहीं एक महीने पढ़ लिया, अरे वाह मैंने एक मैगजीन पढ़ ली अब दो महीने की छुट्टी, होता है दिमाग में आती हैं बातें, ऐसा नहीं करना है, कंटिन्यूटी बना के रखिए अपनी। और मैं फिर बोल रहा हूँ, इस पूरी जर्नी के दौरान आपका विश्वास ही है जो आपको इस परीक्षा में सिलेक्शन दिलाएगा। मैं आपसे फिर बोलूँगा, आप मेंस लिख रहे होंगे ना, आप अपने दिमाग में एक ही बात घूमनी चाहिए, मेरा सिलेक्शन होगा होगा होगा, मेहनत करिए, मैंने विश्वास रखिए इस बात का। बस जो पॉजिटिविटी है ना वो हमें मोटिवेट करती है, यार होगा क्यों नहीं होगा, यार पढ़ा है मैंने, है ना, कुछ छोड़ा ही नहीं है, बचा ही नहीं है कुछ जो मैंने ना पढ़ा हो, जिसके बारे में जानकारी नहीं है, तो पूरा पेपर सॉल्व हो जाता है। और कोई डाउट हो किसी को तो हम, मैंने मेरा क्या है, देखो फर्स्ट अटेम्प्ट था और ग्रेजुएशन में मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में पढ़ रहा था, तो मेरा कुछ वो थोड़ा सा पढ़ा हुआ था, नया था, हालांकि मैंने NCERT 11th क्लास की पढ़ी थी, मैंने 11th 12th क्लास की, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग भी पढ़ें, क्योंकि जैसे केमिस्ट्री में वो वेस्पर थ्योरी आई थी एक, और फिजिक्स में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे वो काफ़ी अलग आए थे, बेसिक नहीं थे वो, स्पेशल थे, स्टैंडर्ड थे। और एक बात और है, थर्ड पेपर के साथ प्रॉब्लम, उसमें अथवा नहीं आ रहे हैं और वो दे ही नहीं रहे हैं, 10 के 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, समस्या वो भी है। तो आप कुछ स्पेशल आप चाहें, ज़्यादा नहीं मैं बोल रहा हूँ, देखो आपके पास टाइम नहीं है तो मैं नहीं बोलूँगा आपसे कुछ, आप नया पढ़ो, रिवीजन करो, आप रिवीजन पर फोकस करो। हाँ कोई यूनिट छोटी छूटी है आपकी जो नहीं देख पाई है, उसको आप कम से कम देख कर जाइए, कुछ ना कुछ तो आप, जैसे 30 नंबर का आना है तो कम से कम 10 से 12 नंबर तो आपको मिल पाए, ऐसे ही मान लो 4-5 यूनिट अगर छूटी हैं आपकी तो वो 50 नंबर तो आपको कम से कम दिलवा ही सकती है, और 50 नंबर आपको DSP से डिप्टी कलेक्टर भी बना सकती है, इतना ही अंतर रहता है ज़्यादातर, कहाँ ज़्यादा अंतर रहता है, 820 वाले को
डीएसपी मिल जाता है 860 वाले को, डिप्टी कलेक्टर मिल जाता है ना। तो सिलेक्शन के लिए ये जरूरी है कि आप यूनिट कवर करें। और स्पेसिफिक कुछ चीज़ों में पढ़ना है, जैसे थर्ड जो पेपर है उसमें काफ़ी वो वैसे इकोलॉजी भी है, साइंस एंड टेक है, जियोलॉजी भी है, हेल्थ सेक्टर वाला भी कुछ पोर्शन है, एनर्जी क्राइसिस वगैरह कुछ है, और रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह का वो पोर्शन है। मैंने उसके लिए वो दृष्टि आईएएस की बुक आती है ना जो साइंस एंड टेक की, मैंने वो इस्तेमाल करी थी। उसमें 3 या 4 यूनिट एक ही बुक में कवर हो गई थी मेरी। उसमें अपना साइंस एंड टेक कवर हो गया था, और वो स्वास्थ्य वाला भी कवर हो गया था, और उसी में वो ऊर्जा वाला, 3 यूनिट कवर हो गई थी एक बुक से। जियोलॉजी के लिए मैंने पढ़ी थी क्या बोलते इसको 11th क्लास की एक NCERT है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, वो बहुत हेल्पफुल बुक है, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। अगर आपने वो नहीं पढ़ी है तो कोई कोचिंग के नोट्स ले लो, क्योंकि आजकल कोचिंग के नोट्स हैं ना बहुत अच्छे बनाए हैं, निर्माण के हैं, आकार के हैं, आरंभ के हैं, और भी दूसरी कोचिंग से अच्छे नोट्स बनाए हैं लोगों ने, मतलब आप अगर उनको भी पढ़ लेते हैं ना तो बन जाता है पेपर, कोई दिक्कत नहीं होती है। बस करंट अफेयर्स का जो डेटा आपने याद किया है, मैं रिक्वेस्ट करके बोलूँगा जो सीरियस है पढ़ाई के लिए, उस डेटा का इस्तेमाल आप प्लीज़ करिएगा, 5 नंबर में भी करिए और 11 नंबर में भी करिए। और वन मोर थिंग, थर्ड पेपर को स्पेशली सब लोग डर रहे हैं उस चीज़ को लेकर, डरना नहीं है, हर क्वेश्चन में कोशिश कीजिएगा, अगर चाहे वो डेफिनेशन पूछी हो उसने, चाहे उसका डिस्क्रिप्शन पूछा हो, उसमें एग्जाम्पल ज़रूर आप पुट कीजिएगा। विदाउट एग्जाम्पल साइंस का पेपर कोई मतलब नहीं है उसका। आपसे रिफ्लेक्शन पूछा गया, आपने डेफिनेशन लिख दिए, उसके रूल्स लिख दिए, अच्छी बात है, 2 नंबर मिलेंगे आपको, 5 नंबर, लेकिन आपने अगर एग्जाम्पल डिफाइन कर दिया ना तो वो अलग इम्पैक्ट डालेगा उसके ऊपर, जांचने वाले के ऊपर, कि चलो इसको प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, एप्लीकेशन बेस्ड भी है, सोचता है ना। तो थर्ड पेपर के लिए मेरी ये टिप है, मेरी तरफ से, मैंने भी हर बिल्कुल क्वेश्चन में एग्जाम्पल लिखा है जहाँ ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि ज़रूरत अंतर पूछा है, अंतर में भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, ज़रूरत के हिसाब से आप भरपूर एग्जाम्पल लिखिए। एथिक्स में भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, भ्रष्टाचार के बारे में पूछें, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो गया, दूसरे जो घोटाले उनका आप बिल्कुल मेंशन कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, है ना। ट्रांसपेरेंसी की बात आती है तो RTI का आप बिल्कुल उदाहरण दीजिए, लोकपाल का उदाहरण दीजिए, ई गवर्नेंस का उदाहरण दीजिए, वो आपको अलग बनाएंगे, DBT का उदाहरण दीजिए, ये जो नई गवर्नमेंट भारत सरकार है अभी वर्तमान में कितना कुछ किया है ई गवर्नेंस के लिए, डिजिटल इंडिया जो पहल है अपने आप में एक बहुत मिसाल है भारत के लिए, भारत की नई जो सरकार की जो व्यवस्था है ना उसके लिए अपने आप में मिसाल है, एक नई बोलते हैं ना जनता से सरकार का जो जुड़ना और जनता का सरकार से जुड़ना, उसको नई दिशा दे दी है सरकार ने, जो ई गवर्नेंस में जितनी बढ़ोतरी अभी पिछले 5-6 साल में हुई है, कहाँ हुई थी, आधार कार्ड जब से आया है, DBT शुरू हुआ, UPI पेमेंट शुरू करवा दिया सरकार ने, सरकारी योजनाएं आप तक डायरेक्ट पहुंच रही हैं, उमंग ऐप के थ्रू आप, मैं ये जो बोल रहा हूँ ना ये आंसर में मैंने लिखी है, उमंग ऐप के थ्रू आप एक ही प्लेटफॉर्म पर सरकार की सारी नीतियों को आप देख पा रहे हैं, माय गवर्नमेंट जो इंडिया गवर्नमेंट का जो पोर्टल है उस पर आप सरकार की नीतियाँ क्या बन रही हैं, आगे कौन से विधेयक आ रहे हैं, हर चीज़ को देख पा रहे हैं आप, है ना। इंटरनेट की पहुँच जो बनी है आज, कितनी मतलब 5G टेक्नोलॉजी अपने आप बढ़ गई है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको अपने एग्जाम जो एग्ज़ाम में आप लिख रहे होते हैं, आंसर लिख रहे होते हैं, उसमें भी आपको स्पेसिफिक करके लिखना है, वो मजबूर हो जाए उसको पढ़ने के लिए। और एक चीज़ और, 3 नंबर का जो क्वेश्चन है ना उसमें मैं थोड़ा अंडरलाइन किए थे, मैंने जो स्पेशल पॉइंट आप दिखाना चाह रहे हो उसको अंडरलाइन कीजिए, उस शब्द को अंडरलाइन कीजिए। 5 नंबर में भी मैंने किए थे, 11 नंबर में मैंने नहीं किए क्योंकि उसमें मैंने डायग्राम्स बनाए थे और फ्लो चार्ट वगैरह बनाए थे तो ज़रूरत नहीं पड़ी। बाकी 3 नंबर का जो क्वेश्चन था ना उसमें मैंने अंडरलाइन किए थे, तो आप चाहें तो कर सकते हैं। बिल्कुल लिखो, मैं बताऊँ ना कोई ध्यान नहीं देता, मेरे भी कुछ संपर्क में लोग हैं जो मतलब कॉपियाँ चेक करी हैं जिन्होंने, अब रिटायर्ड हो गए, उनसे संपर्क हुआ था, वो बोलते हम लोगों के पास इतना समय थोड़ी ना होता है कि हम एक ही शब्द को पकड़ने लगे, इतनी सारी कॉपियाँ चेक करनी है, रिजल्ट भी तैयार करना हो, तो कोई ध्यान नहीं देते, उनको अच्छा लगता है कोष्टक में आप लिख दें SR रिपोर्ट लिख रहे हैं, अब जैसे SR रिपोर्ट को दूसरा कुछ बोलते ही नहीं है तो इंग्लिश में लिख दो, कोई बड़ी बात नहीं उसमें। मैंने भी जैसे हिंदी मीडियम से हूँ, मैंने इंग्लिश का भरपूर इस्तेमाल किया है, ब्रैकेट बना के उसमें लिख देता था मैं,
ब्रैकेट में नहीं लिखना तो सीधे सीधे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको पेपर सॉल्व करना है। फालतू की बातों पे ध्यान नहीं दो, अननेसेसरी डाउट क्रिएट मत करो, खुद से मत करो, है ना। लोग टॉपर ने ये बोला था, वो बोला था, हाँ भाई बोला था, परीक्षा मैं भी तो दे रहा हूँ ना, आप भी तो उस परीक्षा का हिस्सा हैं, है ना। जो आपकी अंतरात्मा बोलती है, गलती नहीं करनी है अंतरात्मा से, कुछ जो गलतियाँ आप कर रहे होते हैं उनको छोड़ के बाकी आप फॉलो करें, खुद को फॉलो करें। आप कुछ नया करना चाहते हैं, जैसे मैं फ्लो चार्ट बनाता था, आप हो सकता है नया फ्लो चार्ट बनाए कुछ, मैं सर्किल बना के बनाता था, आप स्क्वायर बना के कर सकते हैं उसको, कुछ अलग कर दीजिए बस, कुछ और स्पेशल कुछ भी नहीं है, है ना। तैयारी में, पूरी तैयारी में फिर बोलूँगा, अपने आप पर भरोसा रखो, बस तैयारी पर भरोसा करो, वो भटकना नहीं है, है ना, पढ़ाई पर फोकस रखना है। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन रहते हैं इस उम्र में, सब कुछ रहता है, लेकिन अल्टीमेटली जो आपने टारगेट बना रखा है, अपने सपने बना रखे हैं जो, उसके प्रति आप ईमानदार रहिए तो MPPSC भी आपके प्रति ईमानदार रहेगा, वो आपको फेल नहीं होने देगा, इतना तो तय है, मेहनत का पूरा फल आपको मिलेगा, है ना। और कोई क्वेश्चन? हाँ, मेंस के बाद, और बहुत ज़रूरी है वो, विदाउट मॉक इंटरव्यू आप ये समझ लो कि मतलब आप अपने परफॉर्मेंस को उतना अच्छे से नहीं दिखा पाएंगे वहाँ। हालांकि कुछ लोग होते हैं जैसे IIT से आते हैं, कुछ लोग उनको आदत हो जाती है, वो इंटरव्यू दे चुके होते हैं, लेकिन मॉक इंटरव्यू तो यार बहुत मायने रखते हैं, वो गलतियाँ पता चल जाती हैं हमें कि हमें किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है। कोई भी बात, हम जैसे पहले मेरा भी था, मैं प्रशासन को, जैसे भ्रष्टाचार है प्रशासन में, सबको बुरा लगता है, लेकिन जैसे मुझसे पूछा गया पहली बार मॉक इंटरव्यू में, पूछा क्या भारत में भ्रष्टाचार है प्रशासन में, बिल्कुल है भ्रष्टाचार, मैंने बोल दिया, ये नहीं बोलना होता है, आप उस प्रशासन का हिस्सा बनने जा रहे हैं, आप उसी को दिखा रहे हैं कि वो भ्रष्ट है, ये थोड़ी ना चलेगा, है ना। ये मुझे सर ने सिखाया था, विकास सर DIAS के जो हैं, मैंने वहाँ से स्पेशली उनसे ट्रेनिंग ली थी इस चीज़ की। व्यक्तिगत भ्रष्टाचार उसको हम बोल सकते हैं, अपने आप को प्रशासन को कभी भी गलत मत ठहराइए, है ना, कहीं ना कहीं उसका बचाव कीजिए, अगर क्योंकि अगर आप उसको गलत दिखाएंगे उस, वो इंटरव्यू बोर्ड वाला आपसे पूछ लेगा, जब आपको इतनी गंदगी दिख रही है तो क्यों आप गंदगी में उतरना चाह रहे हैं, आपको जब प्रशासन भ्रष्ट ही दिख रहा है तो मतलब आप भी भ्रष्टाचार करेंगे उसमें आके। तो प्रशासन, सरकार की नीतियाँ, इनकी आलोचना करने से बचो, बच्चों का मैं तो बोलूँगा मत करो, क्योंकि आप उसका हिस्सा बनने वाले हैं, है ना। तो इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यूज तो ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं। हाँ, कुछ भी, बस वहाँ पे दिखावा मत करो फालतू का, जो आप एक्चुअल में हैं वही बने रहो, कुछ ज़्यादा, जैसे मेरे अंदर थोड़ा सा बचपन है, उम्र भी नहीं है मेरी, 22.5 साल का हूँ, तो मेरे सर ने बोला था कि देखो आप जैसे हो ना अच्छे हो, युवा हो आप, वो दिखना भी चाहिए, ज़्यादा सीरियस आप हो जाओगे पता चले मैं बात, उम्र तो है मेरी इतनी छोटी, अनुभव कुछ नहीं है, बात कर रहा हूँ मैं बिल्कुल महात्मा गांधी जैसे, समाज सेवा करनी है मुझे, ये करना है वो करना है, मत दिखाओ भाई, मत दिखाओ। हल्का फुल्का आप बाइट दे सकते हैं उस चीज़ की कि हाँ मैं समाज से जुड़ना चाहता हूँ, सिविल सर्वेंट बन के मैंने कुछ जो स्पेशल प्लान बना रखे हैं अपने ज़िले के लिए, अपने प्रदेश के लिए, मैं अपना योगदान देना चाह रहा हूँ। अपने आप को महापुरुष दिखाने का कोई आवश्यकता नहीं है, वो इतने बेवकूफ़ भी नहीं बैठे होते हैं वहाँ पे, बहुत अनुभवी लोग हैं वहाँ पे, आप जिस स्टेज पे पहुँच रहे हैं वो आज से 50 साल पहले उस स्टेज को पार कर चुके होते हैं, है ना, समझ रहे इस बात को। तो वहाँ पे दिखावा मत करिएगा, मैंने तो दो लिखी थी, मेरी दो हॉबीज भी हैं, मैं कविता लिखता हूँ और मुझे योग करना भी पसंद है, तो मैंने दो लिखी थी, एक भी चल जाती है। देखो डेफ जो होता है ना वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है सिंपली उनके सामने, लेकिन जब आप एक्चुअल में उनके सामने उपस्थित हैं ही तो उस पर वो ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते। कुछ नहीं देखते वो, मैं बता रहा हूँ आपको, उनको कोई मतलब नहीं है आपके डॉक्यूमेंट से, कोई मतलब नहीं है आपके डेप से, कोई उनको कुछ नहीं लेना देना, वो देखते भी नहीं है, कुछ नहीं देखते वो। मैं खुद का बता रहा हूँ, मेरे बोर्ड में मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं बोर्ड में बैठा हूँ MPPS, ऐसे वो बीच बीच में बातें करने लगते थे, आपस में बातें करने लगते थे, मुझसे भी ऐसे ही हंसी मतलब मजाक टाइप, अच्छा ऐसा करेंगे आप, और एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछा, आप अपने ज़िले के बारे में बताइए, कुछ आप स्पेशल करेंगे या फिर ऐसा ही चल रहा है सब कुछ, ऐसे शब्द भी बोलते हैं।
आपको वो इनफॉर्मल करने की कोशिश करते हैं कई बार कि आप इनफॉर्मल हो जाएं, आपको नहीं होना है, वो बहुत ऐसा लगता है कि मेरे दोस्त बैठे हैं। और खासकर जो मेरा जो बोर्ड था, अध्यक्ष के बोर्ड में मेरा इंटरव्यू हुआ था, अध्यक्ष जी का व्यवहार जो है ना वो बहुत प्यारा है, सच बताएं बहुत फ्रेंडली बात करते हैं। वो एस्पिरेंट को वो डर महसूस होने ही नहीं देते हैं, जो अभ्यर्थी मेंस की प्रिपरेशन के बाद वहाँ तक पहुँचा है ना वो समझते हैं उस बात को, बहुत कोऑपरेटिव बोर्ड होता है। यहाँ थोड़ा सा डर लगता है मॉक इंटरव्यू में, यहाँ मॉक इंटरव्यू बहुत कठिन भी होते हैं, आपने महसूस किया होगा। अब जब वहाँ पे आप देंगे ना, आपको लगेगा यार क्या था यार, ये कुछ था ही नहीं। वो तो जाओ आप सिंपल से, आप अपने बारे में बता दो, दो चार चीज़ें यहाँ वहाँ की बता दो, ईमानदारी चेक करते हैं, हालांकि वो आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट करेंगे, ठीक है। अपने आप को बस दिखावा मत करना, कुछ भी फेक व्यक्तित्व अपना मत दिखाइएगा कि स्पेशल कुछ ये है मेरे अंदर वो है, जो आप हैं एक्चुअल में वो बस बने रहो। समाज के प्रति आपका दृष्टिकोण पॉजिटिव रखना, प्रशासन के प्रति पॉजिटिव रखना और सरकार के प्रति रखना, है ना, और कुछ नहीं है। डर निकाल दो दिमाग से बिल्कुल। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया, मेरे दिमाग में भी बहुत डर था, मैं कोई स्पेशल कोई वो नहीं हूँ कि दूसरे ग्रह से आया हूँ, बहुत डर रहता है, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, दिमाग में यही बातें घूमती रहती हैं सबके साथ है। वो कॉमन चीज़ें हैं, बहुत सामान्य सी चीज़ें हैं, ज़रूरी है वो डर। वो डर हमें बताता है कि हमें पढ़ना है भाई, अगर नहीं पढ़ोगे ना तो फेल हो जाओगे, वो डर बना रहना ज़रूरी है। रिश्तेदारों से बात कीजिए जो आपको ताने देते हैं, है ना, ऐसे दोस्तों से कॉन्टेक्ट में रहो जो आपके बिल्कुल आलोचक हों, कट्टर आलोचक हों, वो आपकी गलतियां आपको बताते रहते हैं, मोटिवेट करते हैं वो आपको, यार तुमसे प्रिलिम्स नहीं हो पाया, वो चुभती है ना बातें, वो ज़रूरी हैं, है ना। मुझसे भी बहुत बोला गया है, क्या यार बने घूम रहे हो, मैं हो गया मैस, बहुत छोटी सी बात है, अभी इंटरव्यू भी बाकी है, ठीक है, कर रहा हूँ कोशिश, है ना, कोशिश कर रहा हूँ अपने अंदर, बस वही चीज़ है, पॉजिटिविटी बना के रखो। और मैं फिर आखिरी में फिर बोलूँगा, विश्वास रखो अपने आप पर, बहुत महत्वपूर्ण है। अपने आप पर का विश्वास नहीं होगा ना, बहुत प्रॉब्लम होती है खासकर इंटरव्यू में, ठीक है। और कोई डाउट? हाँ, हिस्ट्री के लिए मैंने यूनिक पब्लिकेशन की बुक पढ़ी थी, यूनिक पब्लिकेशन की जो हिस्ट्री है, एक ही कंसोलिडेटेड था मेरे पास, 2010 का वर्जन था। आप चाहे तो एनसीईआरटी रेफर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वो भी रिवाइज करी थी। लेकिन जो 3 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो थोड़े से परेशान करते हैं। तो लूसेंट में जो फैक्ट दिए हुए हैं वो आप थोड़ा देख सकते हैं उनको, इसके अलावा मार्केट में कुछ बुक्स अवेलेबल हैं 3 मार्कर की, तो आप वो देख लें। हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़ लीजिए आप, और अगर कोई बुक पढ़नी है तो स्पेक्ट्रम देख लीजिए, मतलब कोई भी रिकमेंड बुक पढ़ लीजिए, एक ही बुक पढ़ो, बार बार रिवीजन करो। लेकिन ये नहीं कि एक कंटेंट तुमने यहाँ से पढ़ लिया, दूसरा दिन पता चले या किसी दोस्त ने ये बुक ज़्यादा बेहतर है, अरे भाई हम भी परचेस करेंगे, चलो ये समय भी देखें, कुछ नया नहीं रहता, वही की वही कहानी है। हिस्ट्री कौन सी बदलनी है, वही की वही है। एक कोई बुक ले लो आप, बस रिविज़न ध्यान रखना, रिविज़न अच्छे से हो पाए। कुछ जो पोर्सन ऐसे होते हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखिएगा, आपने देखे ही होंगे, तो अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, किस पोर्शन से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, है ना। तैयारी रखिए, ऑल द वेरी बेस्ट, है ना, विश्वास रखिए अपने आप पर और तैयारी को एंजॉय करिए, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, है ना। फेल होते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लोग ताने देते हैं देने दो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। जब आप सफल हो जाते हैं ना, तो सब लोग आपके साथ एक साथ खड़े हो जाते हैं, यार मुझे तो पहले से ही पता था, भले ही वो आपको 50 बातें बोलते हो, लेकिन पहले से ही पता था वो तो होगा तुम्हारा, इस तरह से होती है चीज़ें, बाकी बहुत बदलाव आ जाते हैं, है ना। एंजॉय करिए अपनी तैयारी को, है ना, और कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।